लग रहा है जी इसका कलर। ये देखें, ये जी हमारा चिकन सूप बन गया जी, माशाल्लाह पक्के तैयार हो गया, बहुत ही जबरदस्त और उमदा और टेस्टी। ये पकाना मेरा काम था, बांटना आपका काम। बहुत ही जबरदस्त लगे माशाल्लाह, बहुत मजेदार। आज आप भी अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं जी चिकन सूप की रेसिपी, ऐसा चिकन सूप बना रहे हैं जी जो जनाब आपके जर्सियाँ स्वेटर वगैरह सब उतरवा देगा, इतना गर्म कि आप कहेंगे हम रजाई वगैरह उतार दें और खुली फजा में बैठ जाए, माशाल्लाह जी फुल गर्म माहौल में। तो चले जी आप हमारे साथ रहें जी, हम आपको दिखाते हैं जी चिकन सूप की रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म चिकन सूप के साथ। तो माशाल्लाह जी हम बनाने लगे हैं यखनी, ये है जी गर्म मसाला काली मिर्च जीरा, और ये है लहसुन और अदरक, और ये है 250 ग्राम गोश्त है जी हमारा चिकन। माशाल्लाह जी इधर हमारा लहसुन कूटा जा रहा है, चिकन की हमने छोटी छोटी बोटियाँ बना रही हैं। मैं बनाने के लिए रेडी हो गई, अभी खाने के लिए रेडी हुई। चाय बन चुकी है, खाना बना रही है। वाह वाह, मैं चाय पीने लगा हूँ। ये देख ले मेरी चाय उठा के पी रही है मना है। तो माशाल्लाह जी ये देखें, ये आ गया जी हमारा, दो अदद अंडे आ गए, गर्म मसाला आ गया, लहसुन अदरक का पेस्ट, 200 ग्राम चिकन, कॉर्नफ्लोर, और इधर आ गया घी, और ये आ गया हमारी प्यारी सी देश की, और ये बहुत ही खूबसूरत सा गर्मा गर्म चूल्हा। तो चलते हैं जी अपने हम सूप की तरफ। तो चिकन की अपन बनाएंगे यखनी, तो सर्दियों का लाजवाब तोहफा जी माशाल्लाह जी, सर्दी को भगाए और गर्माइश लाए, तो आपने हमारे साथ साथ रहना है। और ये आ गई जी हमारी ब्लैक पेपर, बहुत ही खूबसूरत और जायकेदार काली मिर्च। ये देखो जी साहब ने देश की चढ़ा दी है ऊपर। चिकन को भून लेंगे पहले ताकि उसकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाए, हमने नमक वगैरह लगा के रखा था इसको। और ये देखें जी हमने इसमें घी डाल दिया, घी थोड़ा सा पकने लगा तो इसमें डाल दिया जी हमने लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखें ये है जी लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा। ये हमें ब्राउन करेंगे, जब ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें डाल देंगे चिकन। ये देखें जी ये हल्का सा हमारा जो है ना लहसुन अदरक पेस्ट ये ब्राउन हो चुका है, इसमें हमने लगे चिकन। ये डाले सब हल्दी, ये जी इसमें डालूंगा थोड़ी सी मैं हल्दी कलर के लिए ताकि इसका कलर बन जाए अच्छा। काली मिर्च, ब्लैक पेपर, इसको थोड़ा सा भून के मैं इसमें इतना पानी डालूंगा कि ये अच्छे तरीके से ना गल जाए। तो ये जी मैंने इसमें अब थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगा ताकि ये जले ना नीचे इतना। ये जी मैंने इसमें एक गिलास पानी डालूंगा तकरीबन मुर्गियों को गलाने के लिए, अच्छे तरीके से गल जाए। आग इसमें हम फुल कर देंगे फ्लेम को तेज करेंगे, क्योंकि गैस तो है नहीं, ये है दूसरा चूल्हा हमारा। दम पे पकाएंगे, अब ढक के पकाएंगे ताकि चिकन जो जल्दी से जल्दी गल जाए अच्छे तरीके से। अच्छा मैं हाथ सेक सकती हूँ? हाँ सेकेंगे सेकेंगे आप सेकेंगे। ठीक है जी, जल्दी खुशक हो जाएगा पानी थोड़ा तो कम करें। ये जी आगे बीबी मिनाहिल, बीबी मिनाहिल मिना आप नमाज पढ़ी है? नहीं। क्यों? सर्दी इतनी लग गई है। ये देखें जी चिकन मेरा तकरीबन फ्राई हो चुका है, ये देखें मतलब इसका पानी वगैरह खुश्क हो चुका है, मैं इसको अब निकालूंगा और इस वेस्टी में फिर मैं डालूंगा पानी यखनी के लिए। तो इसको मैं बारीक बारीक इसको ना कूंडी में कूटूंगा, इसको चिकन को जो बोन लेस उसको कूटूंगा और जो हड्डी वाला उसको वैसे रहने दूंगा, क्योंकि आज मैं इस आम के पास हूँ ना, आज मैं इसको ज़्यादा बार नीचे उतार लेना, नीचे उतार ले। अच्छा जी आज मैं इसको ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं करने दूंगी। मर्जी है जी आपकी बेगम, मैं पहले कौन सा बर्तन इतने आपके गंदे कर, सारे बर्तन बड़े बड़े बर्तन सारे लपेट के रख देते थे। खुशबू आ रही है अदरक लहसुन की और काली मिर्च की। पानी देंगे अब इसमें, पानी डालूंगा देखें जी इसमें पानी डालूंगा मैं। ये है जी हमारा तीन रुपये का एक डब्बा है ये वाला,
ये हो गया जी 1.5 किलो पानी, ये हो गया ये जी तकरीबन 2.25 किलो पानी हो गया। पानी है ही नहीं अब इसमें है? और डालना है, और डालना है ग्लास, एक ग्लास इसमें पानी का हम और डालेंगे। पानी लेके आए जी, ये देखें जी माशाल्लाह जी कितनी प्यारी लुक आई है जी। बेगम साहब खा भी रही है, कैसा जायका बेगम इसका? नमक बहुत तीखा है। नमक तो तीखा होगा ना, देखने के लिए जो है ये साहब देखे कर रहे हैं। देखें जी मैंने जी जो चिकन निकाला था ना पका के, उसको मैंने मैच कर लिया, कूटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, माशाल्लाह गल गया है सारा ही, तो हाथ से ही मैच हो गया। ये मैच हो गया जी, मैच हो गया, मैच बोले बहन भाई मैच करने बैठ जाए, फिर नहीं करते मैच। ये कौन सा क्रिकेट का मैच लगा हुआ है क्या पता, कहते हमारा भाई क्या, ये हमारा भाई मैच कर रहा था मैच। ये देखें जी माशाल्लाह जी बहुत ही पावरफुल कलरफुल चिकन बना जी हमारा, और ये जो हड्डियां हैं ये मैं इसमें डालता हूँ, उसका ढक्कन खा जी, इनका भी जूस बन जाएगा। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखिए देसकी साहब ने इतनी काली कर दी है, ये काले बर्तन दो दो के तो मैं तो थक गई। मैंने कहता है कहती हूँ साहब कोई चीज़ ना बनाए, पर साहब रुकता ही नहीं है। ओ बेगम मैं कहता हूँ सर्दियाँ हैं, आपको कहीं सर्दी ना लग जाए, मैं सिर्फ आपका सोचता हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा एक तो आप मेरी बेगम है, अच्छा आपको भी सर्दी लगी तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। अच्छा जी मुझे मेरा क्या बनेगा कालिए? अच्छा मैं काली हूँ वो, यार मैं कालिए क्या डायलॉग का, काली हूँ मैं, काली नहीं यार आप काली। देखो बहन भाई मैं काली हूँ, ये कहता है कालिया कालिए मर्जी है इसकी। ये जी मेरे सबसे प्यारे बहन भाई है जो है ना उनके लिए मैं बना रहा हूँ। बहन भाई ने ये यखनी पीनी हो ना बहन भाई, ये एक बार मैं कहती कि एक दफा आ जाए ना आप इसे पूछे, ये कहता आप ना आपके ले लेता है, खा भी आप खुद जाता है। यार मैंने खा लिया, मेरे बहन भाई ने खा लिया, एक ही बात है क्यों भाई हो ऐसे ही ना। जब मछली फिश करता है तो उसको क्या कहते हैं? देखे जी मैंने वो पिनिया बनाई है ना, मैंने कहाँ पे भेजी है देखा आपने, जिमलाबी को मैंने भेजी है पिनिया, पेड़े भेजे हैं खानपुर के, तो उन्होंने खाया, उन्होंने बहुत मजा आया उनको, उन्होंने बहुत दुआएं दी हमें। एक दो बहने और हैं, और जो बहने कहती है ना कि भाई हम भी लाहौर में हैं, तो इंशाल्लाह जी मैं जब फिर बनाऊंगा ना अलसी की पिनिया, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर याद करूंगा और आपको भेजूंगा, बेशक क्यों ना मैं दो दो ही क्यों ना भेजूं। अपना ड्रेस भेजूंगा जरूर, अपना ड्रेस भेज दे, ये भेज दे दो 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 पिनिया की है, 100-200 की होंगी, 500 रुपया किराया होगा। जिस बहन ने खानी हो ना वो मुझे जी बताएं, मैं इंशाल्लाह जरूर भेजूंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसको बाहर आ चुका है तो मैं इसमें चिकन शामिल करूंगा, रुक जा। ये देखें जी ये इसमें मैं चिकन शामिल कर रहा हूँ, उसको मैंने कूटा नहीं है, हाथ से मैच किया इसको मैंने मैश, तो ये इसमें जब पकेगा ना ओए होए 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 ते चसा आनियां ने चसा। ये देखें जी इसमें चिकन कितना आ रहा है जी, नजर देखें सूप में। वैसे जी मेरी बेगम को ना एक बड़ी मौज रही है ना, इसकी सास ना इसकी कुनांद इसे मतलब कि इसकी शिकायतें लगाती इसकी बहन से इसकी माँ से। अच्छा जी बाबा था उससे लगाती थी, बाबा इसको डांटता था, मैं बड़ी खुश होती थी। हाँ जी मेरा दादा था ना जी, बाबा नहीं मेरा बाबा सोरा मेरा सोरा आपका, मेरा बाबा भी तो आपकी साइड लेता था ना। हाँ इसका दादा था वो भी मेरी साइड लेता था, वो कहता था कि इसको गाली दे के देता इसे से क्या ये साथ काम करवा ले, नहीं तो मैं उठ गया डंडा लेके तो मारूंगा तुझे। वो उसकी टांग टूटी थी, उठ नहीं सकता नहीं थे वो बेचारे, तो अल्लाह का अल्लाह जन्न नसीब करे। मेरे ससुर भी बहुत अच्छे थे, जब मैं इससे कोई इससे ये लड़ाई करता था मैं उसको बताती थी बाबा ये देखे लड़ रहा है, तो वो इसको डांटता था फिर मुझे मज़ा आता था। तो ये है जी कॉर्नफ्लोर, चार चश्मे डालूंगा मैं, वो आप नशास्ता भी कह सकते हैं इसको गाढ़ा करने के लिए। तो मैं जी इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करता जाऊँगा और साथ साथ हिलाता भी जाऊँगा ताकि ये नीचे लगे नहीं, इसकी गिल्टियाँ ना बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी मेरे प्यारे बहन भाइयों माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त बन गया, ये देखें इतना का गाढ़ा बहुत है। ये आ गया जी चाइना सलाद, एक पैकेट है जी 20 रुपये वाला, ये डाल दूंगा इसमें मैं। ये देखें जी ये आ गया जी 2 अदद अंडे, कितने का अंडा है? 40 रुपये का मिला भी ये 40 का मिला है, पता नहीं सर्दियाँ खत्म हो जाएगी फिर देने लगे। मिन्हास स्वीट से मिला 40 का,
अच्छा वाह जी वाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह चस्सा दमाइया हुण आउणगीआं ना हर बेटी क्या नीचे से लेके आते हैं ये नीचे से भर भर के क्या लेके आते हैं वो नीचे चला जाता है ना फिर उसको नीचे से लेके आता हूँ भर भर के ये देखें अब आएगा जी इसको बाल तो मेरे बहन भाई आपने बताना है जी आपको ये जो ऊपर देखें माशाल्लाह आ गया जी कैसा लग रहा है जी ये इसका कलर ये देखें ये जी हमारा चिकन सूप बन गया जी माशाल्लाह पक्के तैयार हो गया बहुत ही ज़बरदस्त और उमदा और टेस्टी प्यारी जी खूबसूरत और जायकेदार काली मिर्च आ गई जी ये मैंने साबुत लेके खुद पीसी है घर में हाँ जी ये जी बाजार से नहीं लेके आते हैं ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप प्लेट में थोड़ा डाल लो चेक करो मैं चेक कर चेक करके मुझे मिर्च बताया मैंने और डाल दिया तो ऐसे करके जबरदस्त अब मिर्च सही है अब ठीक है चल गया मैं चेक करो जबरदस्त है हाय 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 चलें जिसको लेके चलें साहब मुझे जी पकाना मेरा काम था बांटना आपका काम साहब ये बात ना क्या करें ये बात हो गई अब निकल गई मुंह से निकल गई जब मैं एक बार कमिटमेंट कर लूं तो फिर तुम अपनी भी नहीं सुनता तो ये देखें ये सबसे पहले जी मैं भाई घर भेजूंगा क्योंकि वो भी बच्चे पी रहे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं पिछली बार जब हमने बनाया ना अवैस है ना सारा वो पी गया तो आपी ने मांगा तो कहता ये ना चाचू ने बनाया मुर्गी के पंजों का तो उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं पीना वो सारा ही पी गया बाद में जब मैं गया तो मुझे कहने कि चाचू आपने किस चीज़ का बनाया था मैंने कहा मैंने तो वो बनाया था मुर्गी का चिकन का ऊपर से ढक ले गए तो ये मैं डालूंगा जी प्यालों में अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है जी काट के मैंने बेटा कुछ भी डाला इसमें ये अंडे हैं ऊपर अंडे डाले हैं दोनों अंडे डाल दिए इसमें छोटे हैं बाकी छोटी है माशाल्लाह जी हमारा जी चिकन सूप बन के तैयार हो चुका है तो बहुत ही प्यारी लुक है लग रही है जल्दी जल्दी कर ले वाह सुभान अल्लाह मम्मी थोड़ा सा करना जी बाबा मुझे देखिए कौन सी बोतल अच्छा। माशाल्लाह जी बहुत ही मजेदार है माशाल्लाह बहुत मजेदार आज आप मम्मा ने बनाया दोनों ने बनाया यार आपकी मम्मा का और मेरा कुछ बांटा हुआ है मैंने काम कर लिया उसने कर लिया की बात है जरा पी आ जाए बहुत